मुझे ये बताओ कल मैच था या कोई मजाक भाई, कल के मैच में हमने क्या कुछ नहीं देखा, पूरी दुनिया इधर की उधर होते हुए देख ली, ये भी कहना मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा। मैंने मेरी जिंदगी का सारा क्रिकेट एक ही मैच में देख लिया ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस मैच में हमें पूरे 468 रन देखने को मिल रहे हो, जिसमें कुल 26 छक्के और 28 चौके देखने को मिल रहे हो, ऊपर से मैच में हमें हमारे भारतीय टीम के कप्तान का पूरा वन साइड डोमिनेंट देखने को मिला हो, जो बंदा 22 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद भी टीम के लिए लड़ते हुए 121 रनों की नॉट आउट पारी खेल जाए, फिर भी उसके अलावा हमें एक ही मैच में दो दो सुपर ओवर देखने को मिल रहे हो, इसके अलावा क्या चाहिए जिंदगी में। हेलो नमस्कार, मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हो हमारा चैनल कोविद ऋषि। और अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, रोहित शर्मा के नाम पर ठोक दो लाइक, और रोहित शर्मा की एक कड़क पारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए फिर से टॉपिक पर वापस आते हैं। जी हाँ, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए तीसरे T20 मैच के बाद सच बताओ तो मुझे रात भर नींद नहीं आई, आखिरकार क्या हुआ मैच में, चलिए हाईलाइट पे थोड़ी नजर डालते हैं। इस मैच की शुरुआत होती है टीम इंडिया के टॉस जीतने के साथ, और टीम इंडिया ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना चाहा, जिसमें टीम इंडिया का पहले बैटिंग करने का फैसला शुरुआती ओवर में हमें फ्लॉप होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि ऐसे जैसे वाले विराट कोहली, शिवम दुबे और संजू सैमसन मात्र 22 रन के स्कोर पर ही चलते बने, लेकिन इसके बाद असली पिक्चर तो बाकी था, और इसके बाद हमें देखने को मिला रोहित शर्मा और ऋषभ सिंह का जलवा। दोनों ने मिलकर 190 रन की खतरनाक पार्टनरशिप बनाकर हमारे भारतीय टीम के लड़खड़ाती हुई पारी का स्कोर 212 रन को पहुंच दिया, जिसमें रोहित शर्मा के बल्ले से हमें 121 रन की शतकीय पारी देखने को मिली, वही ऋषभ सिंह के बल्ले से भी 69 रन की शानदार पारी देखने को मिली, जिसके चलते हमारे भारतीय टीम ने अफगानिस्तान की टीम को जीत के लिए 213 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। और अफगानिस्तान की पारी की शुरुआत करने आए गुरुपात और विप्रेश यात्रा ने अफगानिस्तान की टीम को भी शानदार शुरुआत दिलाने का काम करते हुए नाबाद 90 रन की पारी बनाकर अफगानिस्तान को भी शानदार शुरुआत दिलाने का काम किया, और आखिर में आकर गुलाब्दीन नईब और मोहम्मद नबी ने भी अफगानिस्तान की टीम को शानदार टचेज देने का काम किए, जिसके चलते अफगानिस्तान की टीम ने भी निर्धारित 20 ओवर में 212 रन बनाकर इस मैच को पूरी तरीके से टाई कर दिया, जिसके चलते यह मैच पूरी तरीके से सुपर ओवर में चला गया, जिसमें अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सुपर ओवर में 16 रन जड़ डाले और भारत को जीत के लिए 17 रन का टारगेट दे दिया, लेकिन जब हमारे कप्तान साहब फुल फॉर्म में हो तो एक ही ओवर में वे 36 रन भी जड़ दे, और ऐसा ही हुआ, और सुपर ओवर में रोहित शर्मा ने लगातार दो बड़े छक्के लगाकर इस सुपर ओवर का स्कोर भी सेम कर दिया, जिसके चलते हमें एक और यानी कि दूसरा सुपर ओवर भी देखने को मिला, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा ने फिर से 3 गेंदों पर 11 रन बना डाले, लेकिन दूसरी तरफ रिंकू सिंह और संजू सैमसन अपना विकेट गंवा दिए, जिसके चलते अफगानिस्तान की टीम को जीत के लिए दूसरे सुपर ओवर में 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस बार दूसरे सुपर ओवर में रवि बिश्नोई ने 3 गेंदों पर 2 विकेट लेकर इस मैच को टीम इंडिया के झोले में डाल दिया, और इतने सारे पापड़ फैलने के बाद हमारे भारतीय टीम ने इस मैच को जीत लिया, और पूरे 44 ओवर के बाद ये मैच खत्म हुआ, लेकिन रोहित शर्मा ने अपने शतक के साथ सभी को बता दिया कि गेट मैन इज बैक। तो दोस्तों, इसके बारे में आपने क्या राय है, और आपको इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का तीसरा T20 मुकाबला किस तरह का लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं कल एक ऐसी कड़क वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।